क्या, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन डैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो प्रोग्राम की गई है डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए। प्रोसेस डाटा, उस डाटा को प्रोसेस करके इन किस में प्रोसेस करके इन टू यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं उस डाटा को। एंड और स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर लेटर यूज करिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकंड देखते हैं कि अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है मुश्तमिल होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो इसमें रन हो रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। गिव एक्यूरेट एंड फास्ट एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें हम बहुत ही जल्दी फास्ट तरीन रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल वन प्लस करोड़ों का हिसाब जो होता है हम कैलकुलेटर में करते हैं, वो एक्यूरेट सेकंड में हमें वो रिजल्ट अचीव हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट आर एज फॉलो। वो कौन से कंपोनेंट हैं? नंबर वन पे है इनपुट डिवाइसेस, नंबर टू पे है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, नंबर थ्री पे है आउटपुट डिवाइसेस, नंबर फोर पे है स्टोरेज डिवाइसेस, नंबर फाइव पे है डाटा, नंबर सिक्स पे है यूज़र, एंड सेवन पे है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन कंपोनेंट को डिटेल में देखते हैं, कोई से चार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इन द डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। कोई भी डाटा जो कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना, दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, दे आर एज फॉलो। ये जो लाइन है इसको रट लो, इसको हर एग्जाम्पल में ऐसे ही लिख रहे हैं। बस ये जो टाइटल है इसको चेंज करना है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, माउस से भी देते हैं, टच पैड से भी देते हैं, ग्राफिकल टैबलेट से, टैबलेट से भी देते हैं, जो भी है। ये एक डायग्राम बनाएगी इनपुट, इसमें हम डाटा देते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल वन प्लस वन, ये डाटा मैंने दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने इस डाटा को वन प्लस वन को प्रोसेस किया, फिर इसका रिजल्ट है मुझे मिला इज इक्वल टू टू। वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, वो रिजल्ट मुझे अचीव हो गया। तो यही है। तो सेकंड पे है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा, इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसर। जो इनपुट को प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। इसको आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन शॉर्ट सीपीयू। ये याद रखना है, बहुत अहम टर्म है सीपीयू। ये एग्जाम में भी ये आ जाता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस सेकंड में देखते हैं, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये जो सीपीयू है ये ब्रेन है कंप्यूटर का, जैसे इंसानों का ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी ये ब्रेन है सीपीयू। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सीपीयू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो सीपीयू होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस जो डाटा हमने दिया है उसको उसकी तशरीह करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन में। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में मतलब 01 में, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं करता, वो फिर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। वो 01 बाइनरी फॉर्म ये होती है, इस बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है, इसमें वो कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर, फिर इसको अंडरस्टैंड करता है और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें देता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव सीपीयू। हर कंप्यूटर का सीपीयू होते हैं, हर कंप्यूटर के सीपीयू होता है, लाजमी होता है।
अगर कंप्यूटर का सीपीयू मतलब ब्रेन ही नहीं होगा, वो रन कैसे होगा, वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट कैसे देता। तो इसके एग्जांपल है सीपीयू, नहीं मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इन शॉर्ट वैसे मैं बताता हूँ। पहले हमने इनपुट किया डाटा, फिर वो डाटा प्रोसेस हुआ, अब वो डाटा प्रोसेस हो गया, अब आउटपुट डिवाइसेस मतलब वो जो डाटा हमने दिया वो प्रोसेस हुआ, अब आउटपुट डिवाइसेस वो डाटा हमें कहाँ पर शो होगा, अब वो देखते हैं, वो स्क्रीन पर शो होगा। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो डाटा प्रोसेस हुआ है इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसको आउटपुट कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइसेस जो होती है वो प्रोसेस करती हैं रिजल्ट को, जो प्रोसेस आउटपुट डिवाइसेस जो डाटा प्रोसेस हुआ उसको उनके रिजल्ट को प्रोसेसिंग करती है। इसके एग्जांपल क्या, मॉनिटर। अब कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दी मैंने कीबोर्ड से, अब वो रन हो के हमें मुझे कहाँ पर नज़र आई, वो मॉनिटर पर नज़र आई। फिर सेकंड प्रिंटर, हेडफोन, साउंड कार्ड, कंप्यूटर स्पीकर। फॉर वन मैं देखता हूँ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। ये दो तरह की स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में डाटा जो होता है वो टेम्परेरी तौर पर होता है स्टोर, फिर वहाँ से रिमूव होता है, रेज हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वहाँ पर परमानेंट रहता है, वो हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर हो जाता है डाटा, ताकि हम बाद में भी उसको यूज़ कर सकें। सेकंड सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली। वही बात जो मैंने पहले बताई है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो डाटा इंफॉर्मेशन उसको परमानेंटली स्टोर कर देता है हार्ड ड्राइव में, USB में। द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरी, जो मेन मेमोरी होती है जिसमें रन करते हैं डाटा को, वो टेम्परेरी होता है, उस वहाँ से अरेज हो जाता है इजीली। कुछ देर बाद जब वो प्रोसेस हो जाता है डाटा, वहाँ से डाटा अरेज हो जाता है। इसके एग्जांपल क्या हैं वो देख लेते हैं, हार्ड ड्राइव्स, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव्स, DVD, ब्लू रे डिस्क। थैंक यू गाइस।